आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन आपको सदिश गुणन से है। उसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आपका ए क्रॉस बी सदिश ए क्रॉस बी का जो वर्ग है बराबर होगा मापांक सदिश ए का वर्ग मापांक सदिश बी का वर्ग बराबर माइनस आपको कितना दिया गया माइनस ए सदिश ए डॉट सदिश बी के वर्ग के बराबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आपके होते क्या, दो सदिशों के बीच का, ठीक है, दो सदिशों के बीच का जो सदिश गुणा होता है किसके बराबर होता है, मापांक सदिश ए मापांक सदिश बी, ठीक है, और आपका साइन थीटा। ठीक है, यहाँ एन कैप भी होता है, जहाँ एन कैप होता है आपका एक लंबवत इकाई सदिश होता है, तो उसका मान क्या रख देंगे हम इसमें एक रख देंगे। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे देखेंगे आपका ए डॉट बी का यानी दो सदस्यों के बीच का अदिश गुणा किसके बराबर होता है, तो ये होता है मापांक सदिश ए मापांक सदिश बी और आपका कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हल करेंगे, कोई एक पक्ष ले लेंगे, तो एक पक्ष ले लेते हैं, इसमें हम ले लेंगे आपका दायां पक्ष। दायां पक्ष में कितना दिया है, ठीक है, दायां पक्ष यानी कि आपका आर एच एस राइट हैंड साइड में दिया गया आपको मापांक सदिश ए का वर्ग मापांक सदिश बी का वर्ग माइनस का ए डॉट सदिश बी। ठीक है, इसको थोड़ा सही कर लेंगे, यहाँ पे ये होगा हमारा ए डॉट बी का वर्ग। ठीक है, हल करेंगे इसको, आप देखो इसको हल करेंगे, ये तो मापांक ए रहेगा, तो मापांक ए का वर्ग, ये मापांक बी का वर्ग, अब ए डॉट बी, ठीक है, ए डॉट बी के दो सदिशों के बीच का आपका ये सदिश गुणा था, ये हमारा क्या अदिश मान रखेंगे तो कितना आएगा आपका, ये आएगा मापांक ए मापांक बी और कॉस स्क्वायर कॉस थीटा सॉरी का वर्ग। ठीक है, अब इसका वर्ग लगाएंगे तो क्या होगा हमारा, मापांक सदिश ए का वर्ग मापांक सदिश बी का वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ये आएगा मापांक सदिश ए का वर्ग मापांक सदिश बी का वर्ग और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो हमें सूत्र मालूम होता है आपका साइन स्क्वायर और कॉस थीटा के बीच में क्या संबंध होता है, तो हमें मालूम होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का वर्ग कॉस थीटा का वर्ग दोनों का योग कितना एक के बराबर आता है। ठीक है, यदि कॉस स्क्वायर थीटा का मान यहाँ से निकाल के देखेंगे हम इसमें तो, ठीक है, यहाँ पर मान रख सकते हैं यहाँ पे, अब देखो दोनों में हम देखेंगे कितना होगा हमारा कॉस, यहाँ पे मापांक सदिश ए का वर्ग मापांक सदिश बी का वर्ग हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो कितना आएगा मापांक सदिश ए का वर्ग मापांक सदिश बी का वर्ग, यहाँ बचेगा एक, यहाँ क्या बचेगा आपका जाने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा एक माइनस कॉस थीटा का वर्ग किसके बराबर होगा, यहाँ से देखेंगे तो कि साइन स्क्वायर थीटा के वर्ग के बराबर आएगा, तो ये होगा ए मापांक सदिश ए का वर्ग मापांक सदिश बी का वर्ग और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप देखो सब ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर सब वर्ग में दिए गए, इसको लिख सकते हैं मापांक सदिश ए मापांक सदिश बी और आपका साइन थीटा का वर्ग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखेंगे तो कितना मान किसके मान के बराबर हो जाएगा, ये देखो ये दिया आपको ए क्रॉस बी के बराबर। ठीक है, तो इधर ए क्रॉस बी का मान दिया गया ये, और यही क्या करना था इसमें सिद्ध करना था जो कि आपके बायां पक्ष का मान है। ठीक है, बायां पक्ष यानी कि आपका एल एच एस का मान, तो यहाँ पे जब सिद्ध करना था तो एल एच एस किसके बराबर आ गया हमारा आर एच एस के। ठीक है, और यही क्या करना था इसमें सिद्ध करना था जो कि हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपका ए क्रॉस बी के बराबर ही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये ए क्रॉस बी के वर्ग के बराबर हमारा आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट आईआईटी जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।